हाँ मेरी जान, आज तो देख क्या ताऊ बनाएंगे। आज देखिए मछली नई डिश बनेगी। यहाँ मछली साला क्या बनेगी आज? तो मछली को हलाल करेंगे। तेरी साफ सफाई मछली की शुरू होगी और मछली की कटिंग। बिल्कुल कसाई लग रहा है मुझे तो। ये भी क्या बेहतरीन तरीके से मतलब क्लियर कर रहा है मेरी जान। ये गंदगी को बाहर निकाल के अबे तेरी क्या बर्फी से पीस कर रहा है बिल्कुल। इन पीस को खाना और काटना जितना आसान है ना उतना ही खाना भी आसान है। ये बगैर काटे की मछली है। अरे भाई कांटे तो जब लगे हैं हमारे, जब हम खा के इन देखते उसको इन चीज को कट के देखने के बाद और खाने का जी करे। ये जंगल में मंगल कर रहे हैं बिल्कुल बर्फी से पीस कर रखे साले ने। काला मेहनत करा तो। अरे इसी बात के तो पैसे है वरना वो भी हमारे जैसे। ये दूसरे को हलाल करेंगे अब। सफाई भी है अच्छा, ऐसा नहीं है गंदगी से काम कर रहे हैं। तेरी धार भी लगा रहा पैनी छुरी है। मुझे ऐसा लग रहा है इतनी पैनी है कि सब्जी भी इससे काटते होंगे। जिंदा मछली अगर होती ना फिर हाथ दे दे के दिल बत्ते इसमें। क्यों ना मेरे ख्याल से जैसे ही पानी में से निकाली होगी ना मर गई होगी। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है जिंदा नहीं रही होगी जैसे पानी में से निकाली होगी। अरे अब जिंदा हो जाएगी। हाँ पानी में डाल दे सारा जिंदा हो जाए भैया। हुई नहीं क्या क्या सफेद बिल्कुल सफाई से काम हो रहा है। बेहतरीन पीस निकल जा रहे कारण ने बढ़िया पीस से काटी। तीन निर्मा सब बोल दो रखा। ये देख हल्दी ये पूरी तैयार हो। हल्दी का पेस्ट अरे मिर्चों का पेस्ट। अरे जंगल में कहां अब सत्तर मिक्स सत्तर तरह के वो मिल रहे हैं। अरे वहां तो मिक्सी मक्सी कहां मिल रही है। स्वाद भी अलग जा रहा है। तो ही मैंने ताऊ हल्दी मिर्चे धनिया इसका पेस्ट बना के देख क्या जबरदस्त। ये गरम मसाला ये मैदा ये अंडा को फेंट के इसमें स्पाइसी वो बनाएंगे क्रिस्पी और स्पाइसी बन जाए। इतना लगे स्वाद आवे फेंटना शुरू करते तो डोंडो ने खाने का मजा अलग ही है। मुझे पीस पे लगा नहीं जिससे पीस और ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस क्रंची बेहतरीन है मेरे जान। मैंने इसको लगा दिया पीस देख कितने बेहतरीन बने हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब हैं या इस तरीके से गंदे हुए बाद ना देखने के बाद और अच्छे लगे। बिल्कुल पकौड़े से ऐसे बनेंगे अच्छे खाने में लगे उतने अच्छे देखने में लगे। एक बार तैयार तो होने दे तो फिक्र क्यों कर रहा तब हमें भी खिलावेगा दिखा दिखा के दिखा दिखा के खाएगा खिलाने नहीं। हम अपना घर बना लेंगे। क्या जबरदस्त तरीके से इन्होंने पेस्ट लगाया इस पे। ये चढ़ के भट्टी और डाल देंगे तेल है तवो लगा दिया तेल में तड़का। तेल को गरम करके आप डालेंगे हर जगह तो स्टाइल रखे हैं देख उसमें भी स्टाइल रखा फूल बनाया फूल। ये जितना पकेगा ना उतने ज्यादा स्वाद आएगा इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है मछली तल ले तुझे क्या लग रहा है? मछली तल नहीं रहा इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। आलू के पेड़ पकौड़ी से लग रही बेहतरीन ऐसा कोई कह नहीं सकता मतलब मछली के पकौड़ी देखने में पूरी मेहनत जंगल में देख कुछ भी नहीं ऐसी थोड़ी सी चीजों के साथ क्या जबरदस्त बेहतरीन तरीके से। ये तो रुखे खाने में चावल के साथ रोटी भी रोटी के साथ इस बेहतरीन तरीके से खाने में मजा आएगा ना। तो सर जंगल में तो जीने का अलग ही मजा अपना खाओ पियो ऐश करो और क्या है।
निकल गया, खूबसूरत पीस निकल निकल गया। अरे गरम किधर से बात कर रहा जैसे तव ने खिलाया ताऊने फूल बना बना के रखे इनको तेल के अंदर भी पलट दिया अंदर शामिल कबाब से लेके तो मुझे देखने में ऐसे लग ही नहीं रहा कि मछली मछली के पकोड़े ये तो मैं राइस के साथ ओ मेरी जान चावल सारा डाल गया फिर उसके साथ मछली खा मतलब ये मजा आ गया ओह सलाद से खा रहा हो मुंह में देख के तो पानी आ गया अब तो गाढ़े मजे ले रहे क्या जबरदस्त देखने में खाने में हट जाता हो तो पूछा नहीं रहे अरे ऐसा नहीं पूछा करते जब पेट भरता हुआ हो भुक्को को कौन पूछे भाई। अच्छा जी वैसे इनको जितना मजा चावलों के साथ खा रहा उससे ज्यादा मजा रुक के खाने में आता।